बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे तो बात करने के लिए, एंड डेंजर के गन पावर के बारे में बात कर रहे हैं, अराउंड डेंजर इन ई स्पोर्ट्स स्लैश डेंजर का गन पावर। सो डेंजर का गन पावर के बारे में मैं बात करूँ तो ही इज़ अ वेरी गुड प्रॉपर, जब से लाइक हार्डली मैं बता रहा हूँ 3 महीने से तो आई गेस उसने पूरा डेडिकेशन दिया है ई स्पोर्ट्स के अंदर, T1 खेलने का वगैरह वगैरह। पहले वो डरता था पता है, पहले वो क्लासिक्स ही खेल रहा था, पहले वो डरता था कि लोग क्या सोचेंगे ई स्पोर्ट्स में अगर मैंने हक दिया तो, या फिर मेरे को पहले बहुत बोलता था वही सारी चीज़ें, तो मैंने बोलता था तू मत सोच यार, तू ये कर डाल, क्या बोलते हैं स्पॉन्सर मोड ऑन कर डाल, लोगों पे फॉलोअर्स शायद ऑन कर डाल वगैरह वगैरह। तो फिर उसने धीरे धीरे अपना मेरी बात सुनी, या फिर उसको पता नहीं रियलाइज हुआ होगा, तो उसने धीरे धीरे स्पोर्ट्स में खेलना चालू करा, यानी रियलाइज कि यार स्पोर्ट्स में हाइड्रा स्पोर्ट्स होना बहुत ज़रूरी है। तो ही स्टार्टेड प्लेइंग विद टीम, ही स्टार्टेड फाइंडिंग मेंबर्स, तो उसका तो मोटिव ये था कि वो हाइड्रा के लिए स्पोर्ट्स खेलने के लिए रेडी है। पहले तो 2 महीने तो उसके ना ही बोल रहा था, फिर लास्ट में उसने डिसाइड करा हाइड्रा के लिए मैं खेलूंगा क्योंकि टीम को ज़रूरत है डेंजर की। फिर रजिस्टर भी किया, रजिस्टर के टाइम इतना प्रॉब्लम हुआ उसको, नहीं फेस कैम नहीं कर रहा था इसीलिए। सो यार ऑनेस्टली डेंजर एज अ ई स्पोर्ट्स प्लेयर ही इज गोइंग टू शाइन अ लॉट, बस उसका जो गन पावर है ना भाई, अगर वो प्रॉपर तरीके से घुस जाए ना बड़े बड़े ऑफिशियल टूर्नामेंट्स में, वन ऑफ द मोस्ट फाड़ बंदा है वो। बट वही है सीन अगेन दैट ही हैज हिज प्रॉब्लम्स, जो कि फिलहाल फेस कैम नहीं करना, घर पे इतना प्रॉपर तरीके से सपोर्ट नहीं होना, बट